मैं लड़की नहीं बन सकता हूँ। क्यों नहीं बन सकते? तुम एक बार पहले भी तो लड़की बने थे। पैरवी, तब मैं सिर्फ 3 साल का था। तो तब तो मैं चड्डी भी नहीं पहनता था। तो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। प्रमित, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? कर सकता हूँ ना, मैं भी तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ देता हूँ। इससे मेरे मम्मी पापा को क्या फायदा होगा? चुपचाप के कपड़े पहनो। पैरवी, तुम खुद ही मुझे कहती हो ना कि तुम्हारे पिताजी दिन में 10 बार खुद पर शक करते हैं, तो बड़ा मैं लड़की बनकर कैसे उनकी नजरों से बच पाऊंगा? ये सिखाना हमारा काम है। और पापा को कैसे संभालोगे वो तुम जानो। अरे हाँ, जरा सोचो, पहली बार तुम्हें मौका मिला है अपने सास ससुर की सेवा करने का और तुम पीछे हट रहे हो। और एक मैं हूँ, आई हूँ उस दिन से, सारा दिन इस कपूर खानदान की सेवा में लगी रहती हूँ। अच्छा, तो तू मुझे जता रही हो? बिल्कुल जता रही हूँ। पैरवी, याद से चने भिगो देना। पैरवी फुलझाई, मेरी चोटी कब बनाओगे? चाची, होमवर्क में मदद करो ना। और कुड़िया, आज कोई गुजराती थाली हो जाए। अच्छा, जता रही हो? जताओ भी नहीं। अच्छा, तो तू मुझे सुना भी रही हो? जी हाँ, सुना भी रही हूँ। सुना रही हो, लेकिन? कोई लेकिन वेकिन नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम जा रहे हो या नहीं। कोशिश करता हूँ। लटक मटक लटक मटक लटक मटक, कमर थोड़ी इधर करना टेढ़ी, और लटक मटक लटक मटक लटक मटक लटक मटक। नहीं नहीं प्रमित, कमर कुछ ज्यादा हिल रही है। और क्या, ओए तू काम करने वाली कम और काम तमाम करने वाली ज्यादा लग रहा है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, फिर से करते हैं, हो जाएगा। स्टार्ट, चल शाबाश, स्टार्ट। लटक मटक लटक मटक लटक मटक लटक मटक। हाय, मैं नहीं मानता भाई, ना ये लटक रहा ना ये मटक रहा। नहीं प्रमित नहीं, मतलब ठीक है पर वो औरतों वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं आ रही है। पैरवी, आदमी हूँ मैं, औरत नहीं हूँ। आदमी हो तो क्या हो गया, दिमाग तो है ना? यही तो प्रॉब्लम है ना, दिमाग है, वरना मैं भी औरत ना होता। ओए, तेरे कहने का क्या मतलब है, औरतों के दिमाग नहीं होता? बताऊं तेरे को? ठीक ही तो है दीदी, दिमाग होता तो इसके साथ भाग कर थोड़ी आती। सही कह रही है, और फिर ये नौबत भी नहीं आती। यार परमीत, कोशिश तो कर। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, सोनी अपने खिलौने ले आ जा फटाफट। मुझे नहीं खेलना, मेरा मूड नहीं है। खेलना नहीं है, जाना खिलौने ले आ प्लीज। हो गया, अब देखो यहाँ से चल के जाओ और ध्यान रखना तुम्हारा पैर एक भी खिलौने से टकराना पाए। ठीक है, स्टार्ट। कैसे होगा, टकरा जाएगा पैर ना। एक मिनट, साइड में आ जाओ, ध्यान से देखो। ठीक है, 1 2 3 4 ठीक है, चलो पैर टकराना नहीं चाहिए। ट्राई करती हूँ। चल 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 जल्दी। रुको, क्या मेरे पास एक आइडिया है। ओए तू चुप कर, चुप कर। भाई आप देखो तो सही, क्या कर रहा है ये? धर्म ये क्या किया? पर दे, अब ये पैरों से नहीं टकराएंगे ना। अब बस लेकर आओ, वापस ले आओ सब, रख जल्दी। चल हो गया, अब चलो शुरू करो। और लड़कियों का एटीट्यूड नहीं छोड़ना है। हाँ प्रमित, एक मिनट, वापस आओ। नो चीटिंग, हाँ नीचे देख के नहीं, तुम ऊपर देख के चलोगे। चलो ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 ये क्या किया, मेरे खिलौने तोड़ दिए। खेलना भूल आता नहीं और चलती है। शाइनी उठा इसको, आगे से मैं कभी दूंगी नहीं। सोनी, मुझे लग रहा है तुम जानबूझ के कर रहे हो सब कुछ, तेरी नियत ही नहीं है जाने की। हाँ पर जाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैंने सुना था ये बलीपा जी से भी कह रहे थे। ओए, मैंने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा जी मैंने। हाँ झूठ बोल रहे हो,
मैंने खुद अपने कानों से सुना था, आप कह नहीं रहे थे कि मैं जानबूझकर ऐसे 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 चलूंगा फिर भैरवी मुझे खुद ही मना कर देगी। मैंने सुना था, आप बोल रहे थे। झूठ बोल रहा है ये, कहाँ सुना भाई तूने? बोला था ना तूने? हाँ, मैं ना वो पीछे सोफे पर सोया था तब मैंने सुन लिया था। क्या पागल, सोफा बैठने के लिए होता है, सोने के लिए होता है। और अगर सो भी गया तो क्या हो गया? अरे पर जाई कमाल करती हो, ऐसे कैसे सो गया भाई? पीठ में दर्द हो गया फिर डॉक्टर का खर्चा कौन करेगा? परमीर, अब तू बात बदल रहा है। रहने दो ना दीदी, मैं सब समझ गई। इट्स वेरी बैड प्रमीत। तुम ठीक कहते थे प्रमीत, तुम औरत नहीं आदमी हो। तू नहीं जाना चाहता तो मैं चला जाता हूँ वहाँ पे। हाँ हाँ, मैं भी चली जाती हूँ। वैसे भी हमें यहाँ कोई काम कुम तो है नहीं। नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ही जाऊंगा। पक्का? पक्का बलीवा जी। भैरवी, कैसी लग रही हूँ? खुश? हाँ, एक मिनट। खुश, अच्छी लग रही हूँ? मिशन ससुराल फतेह कर। सॉरी, बोला या बोली? ए! बोलो। अच्छा, टू इन वन इज क्या? कुछ नहीं। दाल में कुछ तो काला लगता है, जॉन जासूस को इसका पता लगाना ही पड़ेगा। मिशन टू इन वन।
कौन हो? औरत हूँ। वो तो दिखाई देता है, पर बेल क्यों मारी? आपने एड दी थी ना पेपर में? बेल मारने के लिए? नहीं, केयर टेकर के लिए। नहीं चाहिए। मगर क्यों? नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, मेरा मूड नहीं है। तो फिर एड क्यों दी थी पेपर में? पब्लिसिटी पाने के लिए। इसका मतलब आपको केयर टेकर नहीं चाहिए? चाहिए मगर तुम नहीं चाहिए। रुक, अरे कहाँ जा रही है? रुक 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 रुक। नहीं रुकूंगी, पहले मुझे कारण बताओ कि मैं क्यों नहीं। क्यों बताऊं? क्योंकि मैं यहाँ पर ऑटो के पैसे खर्च करके आया। आया? पूरी बात तो होने दो, आया को घर ड्रॉप करके आई हूँ। तो सुनो, मुझे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती। शक्लो सूरत से तुम बच्चा उठाने वाली गैंग की मेंबर लगती हो, सुन लिया ना? अब जाओ। अच्छा सुनो, आपके घर में बच्चे हैं? नहीं है। तो फिर आपको क्या डर? वैसे भी कोई हक नहीं बनता आपको ये भगवान की बनाई चीजों से मजाक करने का। दिखाती हूँ अभी, ये देखो। हाँ। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई बहन, सबने कपड़े क्यों कम पहने? कपड़े कम नहीं पहने, सब WWF में है, लेकिन मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता। यू चड्डी पहन के सबके सामने कुश्ती करना, मैं तो शुरू से हाउसवाइफ बनना चाहती थी, लेकिन किसी ने बनाया नहीं, इसीलिए तो केयर टेकर बन के अपने शौक पूरे करती हूँ। तेरा शौक पूरा करने के लिए मैंने पेपर मैट नहीं दी थी? तेरी उंगली से ही घी निकालना पड़ेगा। ए, रुका। हे राम, ये घर आके कचरे की खान। तुम क्या निकालोगे मुझे? मैं खुद ही यहाँ पे काम नहीं करूंगी। ए, तू कौन होती है मना करने वाली? घर का मालिक मैं हूँ। मना मैं करती हूँ? इतनी गंदगी, मैं तो कहती हूँ तुम भी निकलो यहाँ से। हाँ? झाड़ू कहाँ है? कोने में। ओहो, रास्ते से हटो। दिमाग खराब है मेरा जो मैं यहाँ पे काम करूंगी? अरे बाहर क्या हो रहा है? अंदर माजी है? आई माजी। हा? इतना काम है ना घर में, 8-10 से ज्यादा मेहमान है, तुरंत काम छोड़ के चली जाऊंगी। अरे ए, 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 सुनो मेरे, रुक रुक, बाहर जा बाहर। अरे पाई लागू माजी। अरे रे, ये क्या माजी, फ्रैक्चर हुआ है? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बेडरूम की हालत कितनी गंदी है, झाड़ू लगाना पड़ेगा। चरिया फटी, उठिए उठिए उठिए। अरे भगवान, ओ अम्मा, अरे क्या कर रही? अरे हाय हाय हाय, ये चदरे कभी धोई नहीं क्या? तुझे क्या है? कौन है ये? पता नहीं, लेकिन है काम की। चुप रह तू। है काम की वाली, मुझे तो शक हो रहा है। आपको तो हमेशा शक होता है, आप चुप रहिए। किचन किधर है? किचन घर में नहीं है, तू बाहर जा। आप चुप। माजी किचन किधर है? ये इस तरफ है। कितनी गंदी किचन है। ओ बाई नहीं आई ना 2 दिन से, इसलिए बेटा। मैं यहाँ बिल्कुल काम नहीं करने वाली हूँ। ये क्या माँ जी, बिंदी सेंटर में नहीं लगाई। ये क्या मम्मी, बिंदी सेंटर में नहीं लगाई? अब ठीक है। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? चक्की। कहाँ रहती हो? जहाँ काम करती हूँ। और तुम्हारे परिवार वाले? बताया ना इनको, सब WWF में है। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बताऊँ जब मुझे यहाँ पर काम ही नहीं करना? तो
रोकोगे तो भी नहीं रुकूंगी। कौन रोकता है तुझे, जा। आप मत कहिए जाने को, मैं खुद ही जा रही हूँ। काम की कमी नहीं है, एक छोड़ूंगी ना 10 मिलेंगे। मैं नहीं रुकने वाली, चाहे कितनी भी पगार दो। हे भगवान, ये तो रोक ही नहीं रहे, कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर गया। अच्छा पगार कितनी लोगी? 2000। ज्यादा है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन रहना यही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी लूंगी। ए, बार बार धमकी क्यों देती हो? और हाँ, रहूंगी मैं किचन में। तो हम तुम्हें कौन सा 2 बेडरूम का फ्लैट देने वाले हैं? जाओ काम पे लग जाओ। तो मेरी नौकरी पक्की? परमानेंट नहीं, टेम्पररी, पक्की पक्की। हाँ ठीक है। प्रमीत, पता नहीं क्या हुआ होगा, कहीं फंस ना गए हो? हम फोन कर लेते हैं उसको। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम फोन नहीं करेंगे, फोन तो वही करेंगे ना। हे भगवान, अगर कहीं हम पकड़े गए ना तो मेरे पापा तो। ओ कबरा मत पैरवी, वो जादूगर है, अब तक उसने अपना जादू चला दिया होगा। मुश्किल है भाई साहब, अगर ऐसा होता ना तो कब का खाने के लिए फोन आ गया होता, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी सबसे पहले खाना ही मांगते। तरम, मैंने कितने प्यार से उनके लिए ढोकला पात्रा और बाजरा का रोटला बनाया था, लगता है सब वेस्ट हो जाएगा। पर जाई नहीं होगा, हम खा लेंगे ना। पहले ये बता कहाँ का काम किया है? मैं रुकिए जाऊं। ए, बात बात में धमकी क्यों देती है? तो और क्या करे बेचारी, आप चुप करो तो वो कुछ करे। बेटा जल्दी से कुछ खाना बना दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है माँ जी। क्या ठीक है, पहले पूछ तो सही खाने में क्या चाहिए हमें। मैं ढोकला पात्रा और बाजरे का रोटला बनाऊंगी। खबरदार, इन खाने की चीजों का नाम भी लिया तो इस घर में। क्यों, ये खाना तो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। किसने कहा कि हमें खाना पसंद है? पत्नी ने। किसकी पत्नी ने? पत्नी सुन रहा है आपको? पत्नी नहीं, पटनी, पटनी, मिसेस पटनी। उन्होंने कहा ये खाना गुजरातियों को सबसे ज्यादा पसंद है। तो उसे जाकर खिला जा, हमारे लिए सेव टमाटर की सब्जी, लहसुन का बटाटा और चपाती बनाओ। नहीं नहीं, ये सेव टमाटर की सब्जी और लहसुन का बटाटा मुझे नहीं खाना है, मुझे तो रिंगना का ओला और चावल खाना है। ठीक है, तो रिंगना का ओला, बेसन की कढ़ी और चावल बनाओ, जाओ। ठीक है बनाती हूँ, पहले सारे नाम दोबारा से बताओ। रिंगना का ओला, बेसन की कढ़ी और चावल बनाओ। ठीक है, बाथरूम किधर है? हमारे घर में किचन में खाना बनता है। हमारे यहाँ भी सेम टू सेम है, मैं बाथरूम नहाने के लिए पूछ रही हूँ, नहाए बिना मैं खाना नहीं बनाती हूँ, पत्नी ने सिखाया है। किसकी पत्नी ने? मिसेस पत्नी ने। ना, मिसेस पत्नी नहीं, पत्नी, मेरे पिताजी की पत्नी यानी मेरी माँ। ठीक है बाथरूम ऊपर है, जो करना है जल्दी करो, भूख लगी है। अभी आती हूँ। कितनी संस्कारी लड़की है। क्या खाक संस्कारी है, बिना नहाए तो हमारे घर आई है। कैसा ससुर है ये, तो भैरवी मैंने प्यार क्यों किया। अच्छा जल्दी नाना। अच्छा, अरे ये आदमी की आवाज कहां से आ गई। कौन अंदर, कौन अंदर?